आज हम आपके लेकर आए एक ऐसी रेसिपी जो कि बनाने में बहुत आसान है, खाने में काफी टेस्टी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ निगम। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है उबले हुए आलू। तो दो आलू को हमने प्रयोग किया, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो इनको बढ़िया तरह से ठंडा कर लिया, इनको छील लेते हैं। तो लीजिए, हमने छील के इसको मैश भी कर लिया है, ये ठंडा भी हो गया तो एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ पे डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, और यहाँ पे हमने लिया है शिमला मिर्च, इनको भी बारीक से कट कर लीजिए। और यहाँ पे टमाटर लिया है, इनको भी बारीक से कट करना है। यहाँ पे लिए तीखा के लिए हरा मिर्च, और यहाँ पे डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, ये ज़्यादा तीखा नहीं होता है, हल्का तीखा होता है। दो पिंच डालेंगे गोल मिर्च, और यहाँ पे डालेंगे मैगी मसाला। मैगी मसाला हो या पास्ता मसाला हो, जीरा का पाउडर हो, जो भी आपके पास है ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, हल्का से दरदरा है। दो पिंच डालेंगे गरम मसाला, ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है, हल्का फुल्का प्रयोग में लाना है। और यहाँ पे डालेंगे काला नमक, और यहाँ पे थोड़ा से सफ़ेद नमक। चटपटा से फ्लेवर आ जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला डाल देते हैं, चाहे तो हम चूरन पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे डालेंगे एक चुटकी हींग, एक चम्मच डालेंगे रिफाइंड ऑयल, स्माइल वाला नहीं होना चाहिए, एकदम शुद्ध तेल होना चाहिए। सारी चीज़ों को बढ़िया तरह से मिला लेना है। तो लीजिए, फटाफट हमारी स्टफिंग बन के रेडी हो चुकी है। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है ब्रेड, और यहाँ पे लिया है पास्ता सॉस, बस इस तरह से इनमें लगा देना है। अगर आपके पास सॉस मौजूद नहीं है तो बिना सॉस के भी बना सकते हो। इस तरह से स्टफिंग को लेना है, बस इसमें कोट कर देना है। लीजिए, हमने बढ़िया तरह से लगा लिया। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आगे का क्या प्रोसेस है। मेरी यूट्यूब फैमिली से हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो पूरी देखा कीजिए। आपकी रेसिपी बिगड़े नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जब आपकी रेसिपी बिगड़ जाएगी तो आपको भी नहीं अच्छा लगेगा, मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा। आप लोग भी कमेंट करेंगे कि रेसिपी ख़राब हो गई है। तो इसीलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के, मैं बार बार कहती हूँ कि हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। गैस पे हमने एक तवा रख दिया, यहाँ पे लगाएंगे देसी घी। इस समय मेरे पास बटर ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पे हमने देसी घी का प्रयोग किया। चाहे तो आप सरसों का तेल का भी प्रयोग कर सकते हो, जो आपके बच्चों को पसंद है आप उसका प्रयोग कर सकते हो। बस इस तरह से रख देंगे, इनको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। इस तरह से ऊपर से हल्का हल्का घी डाल देंगे, ताकि जब हम पलटेंगे तो आसानी से इधर भी बहुत बढ़िया से पक सकें। वैसे भी आप मार्केट से लेने जाएंगे तो कोई देसी घी का नहीं बना के देगा, ना सरसों का तेल का बना देगा, सीधा वो गंदा संदा तेल का बस बना के दे देते हैं। लेकिन पब्लिक इतनी, मतलब वो है कि खा लेती है, एकदम अंधविश्वास में सब गंदा संदा तेल रहता है और उसको खा लेती है। एक तेल, मतलब एक बार जब हम तेल यूज करते हैं, बस ज़्यादा ज़्यादा उसको दो से तीन बार यूज कर लीजिए, या नहीं तो तेल ख़राब हो जाता है, उसको बार बार यूज मत कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हमने शुद्ध देसी घी से बढ़िया तरह से सेक रहे हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने बढ़िया तरह से सेक लिया है, अब इनको बाहर निकाल के रख लेते हैं। हमने बढ़िया तरह से ब्रेड को सेक लिया है, अब यहाँ पे थोड़े से स्टफिंग बना लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है उबली हुई मटर, थोड़ी सी डालेंगे हरी मिर्च, और यहाँ पे डालेंगे थोड़े से आलू, यहाँ पे बारीक कटे हुए टमाटर, और यहाँ पे प्याज। अगर आपके पास खीरा ककड़ी जो भी है आप स्टफिंग में डाल सकते हो। यहाँ पे डालेंगे थोड़ा से नींबू, इससे थोड़ा सा चटपटा और हो जाएगा। यहाँ पे डालेंगे काला नमक, थोड़ा से डालेंगे मैगी मसाला। सारी चीज़ों को बढ़िया तरह से मिला लेते हैं। तो लीजिए, हमारी बहुत बढ़िया सी स्टफिंग मटर वाली रेडी हो चुकी है। तो इसको साइड में रखते हैं। बस इस तरह से ब्रेड को लेना है और इनको बढ़िया तरह से कट कर लेना है, छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। तो लीजिए, हमने बड़े तरह से प्लेट में लगा लिया। इस तरह से मटर की स्टफिंग लेना है और इस तरह से इसमें रख देना है। यहाँ पे डालना है भुने हुए जीरे का पाउडर, बस इस तरह से डाल देना है। और यहाँ पे थोड़ा सा डालेंगे ओरिगेनो,
थोड़ी सी नमकीन डालेंगे इस तरह से, थोड़ी थोड़ी चटनी डाल देते हैं, ये ग्रीन चटनी है। यहाँ पे लेंगे थोड़ी सी दही फेंटी हुई, बस इस तरह से लेना है, इस तरह से डाल देना है। तो लीजिए हमारी चटपटी सी चाट रेडी हो चुकी है खाने के लिए, वो भी ब्रेड से, बहुत बढ़िया लगती है जब इस तरह से बना के खाते हैं। मतलब एक समान से हम अलग अलग चीज़ें बना के खा सकते हैं, बहुत बढ़िया है, चटपटी भी है। आप भी अपने बच्चों को इस तरह से बना के खिलाइए, और घर वालों को बना के खिलाइए, आप भी खाइए। अगर वीडियो हमारी आपको अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।